क्या करोगे, एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना वो मैं हूँ, ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी, आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर में कल हुई 3 अलग अलग हत्याओं ने हिला करके रख दिया है। खास तौर से जो लाल चौक है उसके पास बिंद्रू मेडिकेट करके जो दवा की दुकान थी, उसके बहुत ही बुजुर्ग पुराने कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की जो हत्या हुई है उसको लेकर के लोग उद्वेलित हैं। तमाम सारे नेता मिलने के लिए पहुँच रहे, नेताओं का काम है, लेकिन जिस तरीके से लोग उद्वेलित हैं वो वाकई में अंदर की भावना प्रस्फुटित हो रही है। और आज उसी बिंद्रू की बेटी एसोसिएट प्रोफेसर श्रद्धा सामने आई और आतंकियों को खुलेआम ललकारा। उन्होंने कहा कि तुम, हम आपके कुरान की ही बात करते हैं, ये चोला ही तो बदला है, बिंद्रू का स्पिरिट यानी कि आत्मा तो अजर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकती। आओ आतंकियों, तुम क्या कर सकते हो, तुम पत्थर फेंक सकते हो, तुम गोली चला सकते हो, मेरा सामना नहीं कर सकते। जरा सुनिए क्या कह रही है श्रद्धा। I'm an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says, ki ye jo chola hai, ye sharir ka jo chola hai, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मखनलाल बिंद्रू विल बी अलाइव इन द स्पिरिट, एंड मिस्टर हु शॉट माय फादर डेड व्हाइल ही वाज वर्किंग, इफ यू हैव द गट्स एंड करेज, कम इन फ्रंट, हैव अ डिबेट, हैव एन फेस टू फेस डिबेट विद अस, देन वी विल सी व्हाट यू आर। जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे, एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना वो मैं हूँ, ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी, आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। जैसा कि आपने सुना, श्रद्धा आतंकियों को ललकार रही हैं, बता रही हैं कि अंदर कितना आक्रोश है और कितना साहस है। जरा भी उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आतंकी ने उनके फादर के साथ किया क्या किया और उनके साथ क्या कर सकते हैं। वो बोल रही हैं कि मरना तो एक दिन सब किसी को, पत्रकारों से भी सवाल कर रहे हैं, मरना तो सब किसी को है, लेकिन तुम्हारे बस का है पत्थर फेंकना, पीछे से गोली चलाना, तुम सामना नहीं कर सकते। आओ, जिस बिंद्रू ने इस बेटी को पैदा किया है उसका सामना करो। फिर बताती हैं कि मेरा भाई जो है वो डॉक्टर है, फेमस डॉक्टर है, वो खुद श्रद्धा जो है एसोसिएट प्रोफेसर है, माँ उसी दुकान पे बैठती हैं, पूछ रही हैं वो कि मेरे पिता ने ताजीवन लोगों का जो है सेवा की हमेशा, कि कैसे जो है कश्मीर के लोगों की सेवा करें, और उस बिंद्रू साहब के साथ ये हरकत। आप सब अंदाज़ा लगाइए कि उनके नाम पे सड़क और चौक का नाम रखने का फैसला किया है वहाँ के लोगों ने, जो भी नगर निगम स्थानीय निकाय है, कितने लोकप्रिय थे। जिस समय कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा गया था तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा था श्रीनगर, और उस बिंद्रू सहित 3 लोगों की कुछ ही घंटों के अंतर पे हत्या कर दी गई। तो जब लोग जब तक सामने नहीं आएंगे जान हथेली पर लेकर के, तब तक जो है ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और बेटी श्रद्धा ने जो बोला है वो बहुत ही मार्मिक है और अंदर तक बेधने वाला है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।